अत्यधिक गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग में ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया। अब खुलेंगे 3 जुलाई को, आदेश जारी। अनुदेशक नवीन विद्यालय अनुबंध समाचार। व नवीकरण में अत्यधिक त्रुटियों के कारण विलम्ब हो रहा है। सम्मानित साथियों नमस्कार। अनुदेशक नवीनीकरण अनुबंध में विलम्ब हो रहा है क्योंकि अत्यधिक त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। इस प्रक्रिया में उसको सुधार करते हुए ये कार्रवाई संचालित की जा रही है, इसीलिए अभी प्रथम चरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है सोमवार मंगल तक द्वितीय चरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रथम चरण की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि सरप्लस अनुदेशकों से संबंधित है। साथियों तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें। परिषदीय विद्यालयों में अवकाश को बढ़ा दिया गया है। अभी विद्यालय 3 जुलाई को खुलेंगे क्योंकि इस समय अत्यधिक गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश का ये लेटर है। 24/6/2023 को इसे जारी किया गया है और विषय है उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों मंडप्रात विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में। अब विद्यालय 3 जुलाई को खुलेंगे क्योंकि इस समय अत्यधिक गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये अवकाश बढ़ाया गया है। आपको बताना चाहेंगे विद्यालय खुलने से पहले साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी और शौचालय इत्यादि को स्वच्छ करने के बाद ही विद्यालय खुल पाएंगे। आज की आखिरी टॉप खबर बनी हुई है विशिष्ट शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर। ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। 27 जून को विधान परिषद की विनियम समीक्षा समिति की बैठक हो रही है जिसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। आईटी के मानक के तहत भर्ती हुए संविदा शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा है। अब देखना है कि अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ेगा। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या अनुदेशकों का मानदेय भी शिक्षा मित्रों के साथ बढ़ेगा? आज के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।